नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देशिया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंग जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते थे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के पैसे लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाते थे। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आधार कार्ड बनाने का सामान बरामद किया है। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें SHO लोनी बॉर्डर एवं चौकी प्रभारी इंद्रापुरी, इनका मेन रोल है। इसके अलावा जो थाने की टीम थी, इन लोगों ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना रहे थे। इनसे काफ़ी हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं। इसमें पूरी कहानी ये है कि एक व्यक्ति है इनकी टीम में जो कि जावेद नाम का है। जावेद कुछ समय पहले तक आधार कार्ड बनाने का काम करता था दिल्ली में, और इसका जो साला है शहजाद, जो कि दिल्ली का ही रहने वाला है, वो भी आधार कार्ड बनाने का काम करता है। तो इनको पूरा तरीका पता था कि आधार कार्ड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है एवं आधार कार्ड किस तरीके से बनता है। तो उसी में इन्होंने जो शहजाद की ID होती है, किसी भी आधार कार्ड में लॉगिन करने के लिए जो डिवाइस होती है उसकी, उसमें लॉगिन करने के लिए स्कैन, आईज़ का स्कैन चाहिए होता है आँखों का, और फिंगरप्रिंट का स्कैन। तो उसके लिए फिंगरप्रिंट के स्कैन के लिए इन्होंने फर्जी फिंगरप्रिंट की अंगूठे की मोहर बनवाई थी, और आँखों की इन्होंने हाई डेफिनेशन फोटोज़ लेके रख रखी थी। तो जब भी लॉगिन करना होता था तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके नाम से ID हो वही लॉगिन करे, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी उसको लॉगिन कर सकता है। अंगूठा फर्जी लगा के, अंगूठे की मोहर और आँखों का फोटो उसके स्क्रीन के आगे लगा के लोग लॉगिन कर लेते, फिर उसके बाद ये कहीं भी किसी का भी आधार कार्ड बना सकते हैं। और उसमें भी कई चीज़ें इस तरह की इनके पास से मिली हैं आपत्तिजनक, जैसे कि दिल्ली के एक विधायक हैं उनका स्टैम्प मिली है, और पार्षद हैं उनकी स्टैम्प मिली है, स्कूल के प्रिंसिपल्स की स्टैम्प मिली हैं, और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की स्टैम्प मिली हैं। उन सब स्टैम्प्स का यूज़ करके डेट ऑफ बर्थ एवं रहने का पता, रेजिडेंशियल एड्रेस को ये वेरीफाई करते थे फर्जी तरीके से, और फिर उसके आधार पर ये आधार कार्ड नए बनाते थे। और कोई व्यक्ति कहीं का भी हो, ये लोग दिल्ली के उसके एड्रेस पे या फिर लोनी की किसी ID को यूज़ करते हुए लोनी में या आसपास किसी क्षेत्र में ये नया आधार कार्ड, और फिर उसके बाद ये वोटर कार्ड वगैरह भी बनाने का इनको तरीका पता था, और सब चीज़ें लगातार ये कर रहे थे। कितना खतरनाक है इस प्रकार से आधार कार्ड बनवाना, क्योंकि वैसे अमूमन तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये लोग फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाते थे। साथ ही इसमें कितने लोगों का इन्होंने आधार कार्ड बनाया है, कोई इन्वेस्टिगेशन है? आधार कार्ड इन्होंने यहाँ पर जो हमने पता किया, काफ़ी लोग का इनका बनाया है। अब हम लोग को कुछ डेटा मिला है, उस डेटा को हम वेरीफाई करके उन लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं कि किन किन लोगों का इन्होंने आधार कार्ड बनाया है, ताकि कहीं ये लोग कहीं किसी गलत व्यक्ति का ना आधार कार्ड इन्होंने बना दिया हो जो कि गलत टाइप का हो, तो उसको हम चिन्हित कर।